और वहीं राजगढ़ से बीजेपी ने अमर सिंह यादव को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। 2018 में आपसी गुटबाजी के चलते यह सीट बीजेपी को गंवानी पड़ी थी, जिसे लेकर प्रत्याशी अमर सिंह यादव ने कहा कि इस बार कोई भी गलती दोहराई नहीं जाएगी। अगर उनसे कोई गलती हुई तो वो वरिष्ठ नेताओं के घर घर जाकर माफी मांगेंगे, लेकिन इस बार पार्टी को गुटबाजी का शिकार नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि अमर सिंह यादव 2013 से राजगढ़ से बीजेपी का फेस है। 2018 में आपसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस के बापू सिंह तनवर ने इन्हें शिकस्त दी थी। भाजपा ने लगातार तीसरी बार अमर सिंह यादव पर दांव लगाया है। अमर सिंह किया कांग्रेस से तो बाद में जो है चुनौती है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा में आपसी गुटबाजी के चलते 2018 के नतीजे जो रहे, अमर सिंह यादव को हार का सामना करना पड़ा था। क्या इस गुटबाजी से लड़ने के लिए अमर सिंह तैयार है? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सर। पहली चुनौती तो कांग्रेस बाद में है या पहली चुनौती खुद आपकी पार्टी में ही गुटबाजी है? निश्चित रूप से हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हम सब इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाएंगे। हम सब लोग टिकट मांग रहे थे, परंतु हमारा सबका एक ही लक्ष्य है कि कमल का फूल खिलाना। इस बार जो हमारा लक्ष्य है कमल का फूल है, प्रत्येक कार्यकर्ता का, प्रत्येक हमारे वरिष्ठ जनों का। मध्य प्रदेश में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह जी चौहान के आशीर्वाद से पुनः सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। देख रहे हैं स्वागत सत्कार तो टिकट मिलने के बाद आपका जोरों से हो रहा है, परिणाम आने के बाद होगा या नहीं हो पाएगा ये? निश्चित रूप से आप भी यही हो, आज मैं कह रहा हूँ कमल का फूल खिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे कार्यकर्ता, प्रत्येक मतदान करता, भारतीय जनता पार्टी मतदान केंद्र पे डटा हुआ है। अब इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं होगी और कमल का फूल खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा और हमारा विकास के दम पर हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। ये थे अमर सिंह यादव, कहना है इस बार जो है जातिवाद नहीं चलेगा, कमल का फूल खिलेगा। देखिए राजगढ़ में भाजपा में आपसी गुटबाजी है, जिसका खामियाजा 2018 में भाजपा को भुगतना पड़ा था। लगभग 31,000 वोटों से अमर सिंह यादव को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार फिर भाजपा ने अमर सिंह यादव पर विश्वास जताया है। राजगढ़ से जी मीडिया के लिए अनिल नागर।